क्योंकि आज संडे था, हम सब बाकरिया के ओपीडी में था, तो हमें एक लड़के की तरफ से फ़ोन आया कि फ़ौरन एम्बुलेंस लेके वहाँ पहुँचने के लिए। तो हम बाकरिया के सारे एम्बुलेंसेस को लेके और वॉलंटियर्स को लेके वहाँ पहुँचे। बदकिस्मती से वहाँ तीन लड़के जो था वो क्रिटिकली इंजर्ड था, और तीनों लड़के की उम्र जो था वो मतलब इन बिटवीन 10 to 14 था। बदकिस्मती से एक बच्चा उसमें गुजर गया था, उसमें आपको एक्सप्लोसिव्स था, वहाँ ग्राउंड बना हुआ है, ग्राउंड के इर्द गिर्द में एक्सप्लोसिव सभी पे हैं। तो एलजी साहब से और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी गुजारिश है कि उस पूरे एरिया को आर्मी के साथ बातचीत करके उस पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जाए, ताकि आने वाले कल में इस कस्म के हादसात पेश ना आए। अदरवाइज़ तो बहुत ख़तरा है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार इस कस्म के मतलब इंसिडेंट्स हो चुके हैं। बकौले वहाँ के जो पश्चिम के लोग हैं उनके कहने के बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण अभी यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ के यहाँ पे हुआ है। सुनने में आ रहा है कि 4 बजे के करीब लगभग हुआ है। मैं अभी जस्ट सिलेर से ही पहुँचा हूँ, तो अभी देखिए, मैं तो बहुत, जब मुझे ये न्यूज़ आई तो मैं बहुत शॉक हो गया, क्योंकि ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। एक बच्चे की जान चली गई है, दो बच्चे बैटी इंजर्ड है, और अभी मैं कुछ भी करूं ये बच्चे को तो मैं नहीं ला सकता हूं, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है कि ऐसा हुआ। और जो इंजरी हुई है, मुझे डॉक्टर लोगों ने बताया कि दोनों बच्चों को, एक बच्चा तो डेंजर से बाहर है, दूसरा बच्चे का पेट का ऑपरेशन होने से बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है कि वो बच्चा सरवाइव कर जाएगा। और आज के दिन में तो मैं इतना कह सकता हूँ कि ये जो लॉस है ये तो पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन 4 लाख रुपए इस बच्चे के जो जिसका इंतकाल हुआ है उसके वारिस को हम देंगे, और 1 लाख रुपए जो बच्चा जिसको इंजरी हुई है उसके हम वारिस को देंगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए कि जो एरिया जहाँ पे ब्लाइंड्स हैं, चाहे हमारा कारगिल का हो या और जगहों पर है, मैं आज से ही एक ऑपरेशन शुरू कराऊंगा कि ये जो ब्लाइंड्स हैं या जो डेंजरस ऐसे एमिनेशन पड़े हुए हैं, इनको हम हटाएं, और ये हम टाइम प्रोग्राम में हटाएंगे, टाइम लिमिट करके,